हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसटी एडमिशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीएसटी एडमिशन कहाँ के लिए नोटिफिकेशन आई है, लास्ट डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और साथ ही कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है, एडमिशन फॉर्म्स मांगे गए हैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा एमपी के लिए। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तब आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा और आपको जनरल कैंडिडेट में आपको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हुई है और अगर आप एमपी के कैंडिडेट हैं, एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो मिनिमम 50% का होगा। और इसके बाद देख लेते हैं आगे कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर्स के साथ में एमफिल, नेट, जेआरएफ भी कर रखा हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू में ही बुलाया जाएगा। तो यानी कि टेस्ट ए जो होगा उससे ये एग्जेम्प्टेड होंगे। अब आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और काफ़ी अच्छी सीट और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, वैकेंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो साइकोलॉजी में भी काफ़ी अच्छी सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकोलॉजी में तो कम ही सीट अवेलेबल है, 5 सीट ओनली अवेलेबल है। पॉलिटिकल साइंस में हम देख रहे हैं कि 62 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और इसी तरह से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 1 सीट अवेलेबल है, और बायोटेक्नोलॉजी में भी 1 सीट है, बॉटनी में काफ़ी अच्छी सीट अवेलेबल है, 72 सीट्स अवेलेबल हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 10 सीट, केमिस्ट्री में 133 सीट्स अवेलेबल है। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। साइकोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर ओनली 5 सीट्स ही अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे 6 जून से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा, 6 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपके लिए सबमिशन का होगा 26 जून, यानी कि 26 जून तक ये लास्ट डेट होगी, 26 जून तक आप अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी भेजनी है, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है साथ में। हार्ड कॉपी को भेजिएगा और हर डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्ट भी कर दीजिएगा। हार्ड कॉपी को एमपी रीवा ये यूनिवर्सिटी के एपीएस यूनिवर्सिटी के ऑफिस में भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 जून, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। और इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे प्रॉपर क्लियर कर दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा 22 जुलाई को, यहाँ पर लिया जाएगा 11 से 1 PM का यहाँ पे टाइम रहेगा, यानी सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। तो 2 घंटे का आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट, जेआरएफ या फिर एमफिल नहीं कर रखा है तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो कि जिन्होंने नेट या जेआरएफ या फिर एमफिल कर रखा हुआ है तो फिर वो यहाँ पर उनको एग्ज़ाम से छूट मिल जाएगी, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में वो आएंगे। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट उसको क्वालिफाई करेंगे तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं फ़ी की, अगर हम बात करें तो फ़ी पेमेंट जो है वो 2000 की फ़ी पेमेंट रखी गई है। और इसके साथ ही एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 1300 का फ़ी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही लास्ट डेट को भी ध्यान में रखिएगा, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।